यीशु सन्नी संरिक्तिस में संत बौस्टीना को बार बार दर्शन देकर बताया, लोगों को बताओ कि वे मेरे करुणा की ओर आए। और ये भी बताया कि यीशु का दोबारा आगमन में पहले यीशु दया का राजा के रूप में इस धरती पर प्रकट होगा। और जो लोग यीशु का करुणा का फाटक से प्रवेश नहीं करते हैं, उसको न्याय का फाटक से प्रवेश करना पड़ेगा। और वह वक्त कठिन है और बहुत कम लोग उसके द्वारा स्वर्ग में प्रवेश कर सकता है। इसलिए हम इस नोवेना का माध्यम से अपने आप को यीशु का करुणा में हृदय में समर्पित करेंगे और हम भक्ति भाव से नौ दिन ये नोवेना करेंगे। मुख्य उद्देश्य अविश्वासियों एवं गैर क्रिश्चियन आत्माओं के। यीशु ने संत फौस्टीना से कहा, आज सभी अविश्वासी और गैर क्रिश्चियों को मेरे पास लाओ। मैंने अपने दुखों के समय उनको भी याद किया था। उनके भावी धर्मोत्सव ने मेरे हृदय को दिलासा दी थी। उन्हें भी लाकर मेरे असीम दया के सागर में डुबाओ। प्राप्त कृपा, आइए हम अविश्वासियों को, यीशु को नहीं जानने वालों को ईश्वरीय दया की अज्ञानता को दूर करने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु से प्रार्थना, हे दयालु यीशु, आप जो संसार की ज्योति है, अविश्वासियों और गैर क्रिस्तीय आत्माओं को अपने करुणामय दयालु पवित्र हृदय धाम में स्वीकार करें, जो अभी तक आपको नहीं जानते हैं। आपकी अपार दया की किरणें उन्हें प्रेरित करें, जिससे वे हमारे साथ आपकी असीम दया के चमत्कारों की महिमा कर सकें। आइए हम करुणा माला विनती करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी। हमारे दैनिक का हर आज दे दे, हमारे अपराध तथा पाप भी क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, परंतु कष्ट से बचा। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आते हैं। प्रेरितों का धनुसार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर न विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारे मरियम से जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और दफनाया गया, लिंगुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों को विचार करने को आवेगा। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कैथोलिक मंडली धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा दे के फिर जी उठने और अनंत जीवन पर विश्वास करते हूँ। आमीन। यीशु के अति कठिन दुखों के प्रति 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 यीशु के अति कठिन दुखों के प्रति।
दुख भोग के प्रति हमारा सारा संसार पर दया कर। हे शाश्वत परम पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर एवं रक्त, उसकी आत्मा और ईश्वर रक्त को आपको चढ़ाता हूँ। ऐसा कहने का कठिन दुख भोग के प्रति हम पर सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन परमेश्वर
प्रभु हम पर दया कर क्रिस्त हमारी सुनो प्रीस हमारे होकर हमारी प्रार्थना सुनो हे स्वर्ग में विराजमान पिता ईश्वर हम पर दया कर हे संसार के पाप भरने वाले पुत्र ईश्वर हम पर दया कर दिव्य दया सृजनहार के सर्वश्रेष्ठ गुण मैं आप पर भरोसा रखता हूँ दिव्य दया पवित्र आत्मा के अनंत प्रेम मैं आप पर भरोसा रखता हूँ दिव्य दया पिता ईश्वर जिसका उत्तम है मैं आप पर भरोसा रखता हूँ समापन प्रार्थना हे शाश्वत परम पिता सभी अविश्वासियों और
गैर कृष्ण आत्माओं को जो अभी तक आपके पुत्र और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की परम दयालु हृदय को नहीं जानते हैं, अपनी दया की दृष्टि उन पर डालें, जिससे वे सुसमाचार के प्रकाश से आलोकित हो, आपके प्रेम के आनंद को समझे और दया की महिमा अनंत काल तक कर सके। आमीन।